गुलाबी सरदानी आशिकी महबूबे सुभानी हजरती अल्लामा हसनैन रजा मंदरी साहिब किबला बरेलवी की आमद हो चुकी है। इतने मकबूल खतीब है जिस पोस्टर में अल्लामा हसनैन मंदरी का नाम लिख जाए वही पोस्टर अगर किसी दीवार पर लग जाए तो वो दीवार भी उस जलसे में अल्लामा हसनैन की तकरीर सुनने की तमन्ना करती है। वो अजीम खतीब आपकी मुकद्दस जमीन के मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। कुछ ही लम्हों के बाद उनकी जामे और माने तकरीर हमें और आपको समाप्त करनी है। वहीं पर देखें जौनपुर की मुकद्दस जमीन का वो कीमती हीरा जिसको पूरी दुनिया सुन्नियत शहंशाही तरंगम मालिकी तरंगम शारीहली सुन्नत बुलबुले बागे मदीना जनाबे शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी के नाम से जानते हैं। उनकी आमद हो चुकी है इंशाअल्लाह मैं उन्हीं को खड़ा करने वाला हूँ मगर मैं गुजारिश करता हूँ आप तमाम हजरात से जहाँ नात खानी शौक से सुनते हैं वहाँ तकरीर भी शौक से सुनिएगा। हजरात वक्त बहुत कम है काम बहुत ज्यादा है। मैं एक शेर अभी फहीम मक्कर साहब ने मेरे पीर सरकारे ताजुश शरिया की बारगाह में खराजिया की तरफ पेश किया। मैं अपने पीर की बारगाह में ये चार मिसरे पढ़ रहा हूँ शेर सुने और जरा शेर सुनने से पहले मोहब्बत से कह दे सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह के सिलसिला उसका कभी भी सिलसिला चलता नहीं जिसका गौसे आजम से सिलसिला मिलता नहीं के सिलसिला उसका कभी भी सिलसिला चलता नहीं जिसका गौसे आजम से सिलसिला मिलता नहीं। मिस्र हो जापान हो या चीन हिंदुस्तान हो सानिये अख्तर रजा का दूसरा मिलता नहीं सानिये अख्तर रजा का दूसरा मिलता नहीं सुभान अल्लाह अख्तर रजा का दूसरा मिलता नहीं। सरकारे ताजुश शरिया की बात आई तो इतनी बात सुन ले पीर हो तो ऐसा मेरा पीर अगर अंधेरे में खड़ा हो जाए तो लगता है कि चौदहवीं का चांद निकल आया है। वो सरकारे ताजुश शरिया उनकी बारगाह में के बाके रजा का वो जो महकता गुलाब है जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह के बाके रजा का वो जो महकता गुलाब है अख्तर है नाम अजहरी उसका खिताब है ये बात सच है आप इसे मान लीजिए अख्तर रजा वफा की मुकम्मल किताब है अख्तर रजा वफा की मुकम्मल किताब है। पीरों की जहां में कमी तो नहीं मगर सब में हमारा पीर बहुत लाजवाब है सब में हमारा पीर बहुत लाजवाब है। आज के हजरात वक्त बहुत कम है मैं आपकी खूबसूरत समातों की दहलीज तक हिंदुस्तान का वो कीमती शायर जो अपने अशारों तरन्नुम के संगम से कलबे मोमिन को बारी दी रूह को पाकीजी का हिसाब ज़हनो फिक्र को तकद्दुस की निदा निगाहों को गुंबदे खजरा का जमाल सब जाने का भरपूर जानता है जिनसे मेरी मुराद शहंशाहे तरन्नुम शारे अहले सुन्नत बुलबुले बागे मदीना तूतिये चमनिस्तानी रजा जनाबे शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी से गुजारिश करता हूँ वो माइक पर आए और अपने कीमती अशआर से हम तमाम समाई के कल्ब और जिगर को जिंदा फरमाए। आइए उनका इस्तकबाल इन मिसरों के साथ करने के दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह के दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है नबी का फिक्र मुसीबत को टाल देता है। कादरी हूँ मेरा पीर गौसे आजम है जो 12 साल की कश्ती निकाल देता है। कादरी हूँ मेरा पीर गौसे आजम है जो लहज से मुर्दे को जिंदा निकाल देता है। आइए इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर तो इतना कमजोर नारा आप इतने बहुत सारे लोग होकर के भी इतनी सिलो आवाज निकालते हैं आपकी आवाज देखकर के मुझे प्रदेश में रहकर बराबर याद आता है वो घर छोटा सही लेकिन बहुत घर याद आता है जो तुम लाखों करोड़ों हो के हिम्मत हार बैठे हो मुझे वो 313 का लश्कर याद आता है। अब तुम नवाज के साथ इस्तकबाल कर ले ताकि आपकी आवाज बरेली शरीफ पहुंचे बरेली शरीफ से आवाज आपकी अजमेर शरीफ पहुंचे अजमेर शरीफ से आपकी आवाज बगदाद शरीफ पहुंचे और बगदाद शरीफ से आपकी आवाज मदीना शरीफ पहुंचे। नवाज से पहले नारे तकबीर नारे रिसालत नारे के आना हजरत बैठाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बैठाने सरकारे मुशाहिदे मिल्लत बैठाने सरकारे महबूबे सिब
को तीन शरम जोन पूरी नारे तकबीर ए दीवारो दर सजाओ सरकार आ रही है। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के दीवारो दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। के दीवारों पर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, क्या मक्के शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं, मक्के शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। आशिक ने गाले सोर में आशिक से ये कहा, क्या उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह के दिल इश्क़े इंतजार कर रहा हूँ। अगर वाकई आप पहले मिसरे में जमकर सुभान अल्लाह बोल देंगे, दूसरा मिसरा आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मोहब्बतों के साथ आप जाने पाए कि दिल इश्क़े रिसालत से गम, दिल इश्क़े रिसालत से गम दरशार करेंगे, आप लोग टुकुर देख रहे हैं क्या बात है? ये लोग तो काम चला ही रहे, आप लोग सुभान अल्लाह करके काम चलाइए। आप सुभान अल्लाह बोल दीजिए, आवाज आपकी जब फैलेगी तो यकीनन गूंजेगी। जरा मिलकर एक बार बोल कर दिखा दीजिए सुभान अल्लाह। हम प्यार करेंगे, हम प्यार
लालगंज वाले नौजवानों इस शेर को सुनो, मैं हाजिर करने जा रहा हूँ, मोहब्बतों के साथ मुलाजा फरमाए। उलमाए कराम की फिर कुछ दुआ लेते हुए मैं पहुंचा रहा हूँ, समाज फरमाए। पोते खिलना मेरा इशारा है, हुजूर देखें, पोते खिलना आतिशे दो सख में चलेंगे, वो देख लेना आतिशे दो सख में चलेंगे, दो सख में चलेंगे, दो सख में चलेंगे, वो देख लेना आतिशे दो सख में चलेंगे, दो सख में चलेंगे, दो सख में चलेंगे, किसको नारा लगाने आता है वो मुजाहिद खड़ा होकर नारा लगा दे, ऐसे क्या बात, कोई कुर्ता पजामा वाला है जो नारा लगा सके इसमें से? हाँ देखिए कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं वो लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं कि नहीं, रिकॉर्डिंग कीजिए वरना वीडियो रिकॉर्डिंग करके बनाकर घर ले जाइएगा तो आपकी शिकायत होगी, आपके बच्चे सुनने के लिए आ जाएंगे, हो सकता है आपकी बीवी आ जाए और आपको कह बैठे कमाल के आदमी भाई सिर्फ शरफुद्दीन झारखंडवी की आवाज़ आपकी है ये नहीं, तो ऐसा ना हो, आप सुभान अल्लाह बोलेंगे तो आपकी शिकायत नहीं होगी। अब तमाम सुन्नी मुसलमान भाई एक बार बोल कर दिखा दीजिए सुभान अल्लाह, अब मैं ज़्यादा नहीं बुलाऊंगा, आप शेर समाप्त कीजिए और इसमें आप दाद दीजिए, इस शेर में आप सच्चाई पाएं, बस उलमाए कराम की बिल्कुल जो दुआ लेते हुए मैं हाजिर कर रहा हूँ, फाइन भाई देखें कि अजमत रसूल पाक के, अजमत रसूल पाक के